नमस्कार दोस्तों, टेक विश्व के एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज बात करते हैं मोटोरोला का जो ई सीरीज़ है, इकोनॉमी सीरीज़ E7 लॉन्च हो गया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक बेसिक एंट्री लेवल मोबाइल है मोटोरोला ने जो लॉन्च किया है, मोटोरोला E7 प्लस अल्टीमेट कैमरा के नाम से लॉन्च हुआ है। 9,499 रुपये में लॉन्च हुआ है, तो 10,000 रुपये के नीचे एक बेसिक प्राइस रेंज में आता है ये। और ई सीरीज जो है वो काफ़ी इकोनॉमिकल सीरीज़ रहती है, तो ये उन लोगों के लिए बना है जो एक कम बजट में भी एक अच्छा फ़ोन चाहते हैं। तो देखते हैं आज इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड किए गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो फॉर्म फैक्टर आप देख पा रहे हो, एक स्क्वायर शेप्ड कैमरा बम्प में एक ट्रायंगुलर शेप क्रिएट करने का कोशिश किया गया है, जहाँ पे दो कैमराज और एक फ्लैश लाइट के साथ में एक ट्रायंगुलर शेप क्रिएट हुआ है। उसी के साथ में पीछे आप देख पा रहे हो एक मोटोरोला का एक डिम्पल भी आपको देख रहा है, और आगे का जो है वो ड्यू ड्रॉप नॉच ही मिल रहा है आपको। ऊपर का साइड देखेंगे तो 3.5 mm का हेडफोन जैक मिल रहा है, और उसी के साथ में एक एक्स्ट्रा माइक भी आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, वो जो होगा वो नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए होगा। बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। 48 मेगापिक्सल का F1.7 ड्यूअल कैमरा प्रोवाइड किया है इन्होंने नाइट विजन के साथ। स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर 4GB रैम के साथ में आता है, 64GB का स्टोरेज है। फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक है। 6.5 इंच का मैक्स विजन HD प्लस डिस्प्ले और 5000 mAh का बैटरी है, और उसी के साथ में मोटोरोला का जो खासियत है, खूबी है, वो वाला भी है इसमें, जो ब्लोटवेयर फ्री एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलता है वो भी है। तो कैमरा की बात करें तो अल्टीमेट 48 मेगापिक्सल का F1.7 का ड्यूअल कैमरा प्रोवाइड किया है इन्होंने, जहाँ पे प्राइमरी सेंसर जो है वो 48 मेगापिक्सल का है, और दूसरा वाला जो है वो डेप्थ सेंसर इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो एक लो लाइट फोटोग्राफी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की है। उसी के साथ में आपको इसमें हाई रेजोल्यूशन जूम, पोर्ट्रेट मोड, पोर्ट्रेट लाइटिंग और स्पॉट कलर मोड, ऐसे कुछ खास फीचर भी मिलेंगे जो बेसिकली एक नाइट लाइट विजन को लेके बनाए गए हैं। तो नाइट फोटोग्राफी पे ज़्यादा रिट्रेशन किया है मोटोरोला ने यहाँ पे। उसी के साथ में ये F1.7 अपर्चर के साथ में आता है, तो बेसिकली एक लार्जर अपर्चर साइज़ है, तो अच्छा खासा लाइट प्रोडक्शन मिलेगा आपको आपके हर एक लो लाइट फोटोग्राफी में। आगे बढ़ते हैं, आप देख पा रहे हो कुछ और सीन्स दिखाए गए हैं यहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स के लैंडमार्क्स, कुछ बोके इफेक्ट्स वगैरह दिखाए गए हैं। बैटरी की बात करते हैं तो 5000 mAh का बैटरी इन्होंने प्रोवाइड किया है, 5000 mAh का बैटरी, और ये स्नैपड्रैगन का 400 सीरीज़ का प्रोसेसर है, तो एक बहुत ही लो पावर प्रोसेसर प्रोसेसिंग पावर के साथ में आता है। तो मुझे लगता है आराम से 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको इसमें ज़रूर मिलेगा, एक एवरेज यूज़र के लिए 2 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिलेगा। 6.5 इंच का मैक्स विजन HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा इसमें, ऑब्वियसली डिस्प्ले जो है वो IPS पैनल ही होगा, लेकिन 6.5 इंच मुझे लगता है दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल स्क्रीन साइज़ दैट इज़ हैपनिंग अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस। तो जैसे आप देख पा रहे हो 6.5 इंच का आपको डिस्प्ले मिलेगा। स्नैपड्रैगन का 460 प्रोसेसर इन्होंने प्रोवाइड किया है 4GB रैम के साथ, तो यहाँ पे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आपको देखने को मिल सकता है, स्नैपड्रैगन 400 सीरीज़ के साथ में गए हैं मोटोरोला। लेकिन जैसे मैंने बात की है, ये ऑब्वियसली ये ई सीरीज़ है, एक बजट ओरिएंटेड सीरीज़ है, तो वहाँ पे कॉस्ट कटिंग करने के लिए उन्होंने स्नैपड्रैगन का 400 सीरीज़ चुना है। लेकिन 400 सीरीज़ के साथ में ही आपको एक मोटोरोला का स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलता है, जहाँ पे एडवेयर और ब्लोटवेयर कभी नहीं मिलते इसमें, तो एक अच्छा क्लीन इंटरफेस मोटोरोला प्रोवाइड करता है हमेशा। और मोटोरोला के कुछ गिने चुने एप्लीकेशंस आपको इसमें मिलते हैं, जो आपका ओवरऑल लुक और परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं। मैसिव 64GB का स्टोरेज भी प्रोवाइड किया गया है इसमें, और उसी के साथ में एक्सपेंडेबल भी है, वो मेमोरी कार्ड डाल के आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो 512GB तक। तो अच्छी चीज़ है ये, 64GB का स्टोरेज आपको इतने कम रेट में मिल रहा है। 4GB 64GB अगर हम देखेंगे तो पिछले साल तक ये एक बड़ा मिड रेंज का स्पेसिफिकेशन माना जाता था। जैसे मैंने बात किया, इसमें मोटोरोला के गेस्चर्स मिलेंगे आपको, फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक भी मिलेगा, वाटर रिपेलेंट डिज़ाइन मिलेगा, और बाकी के फीचर्स आप नीचे देख पा रहे हो जो हमने अभी सारे डिस्कस किए। तो मुझे तो बेसिकली ये अच्छा लगा फ़ोन, एक अगर क्लीन इंटरफेस और जो जो लोगों को एक सिंपल फ़ोन चाहिए उनके लिए अच्छा है। सो थैंक फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे टेक विश्व चैनल को, आपका हर एक लाइक शेयर और हर एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं आपको एक फ्रेश एपिसोड के साथ टुमारो, तब तक यू गाइज टेक केयर, डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बाय बाय।